अभी हम ये मंगोरा पहुंच गए हैं। ये मंगोरा का लारी अड्डा है, तो आज मंगोरा पर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये लारी अड्डे से अभी कुछ देर में नाश्ता करेंगे, अभी दोस्त हमें लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सामने भाई बना रहा है चपली कबाब, ये बड़ा प्यारा होटल है, ये खास ये चपली कबाब बना रहे हैं। शुरू नहीं किया अभी, शुरू एक बना के दिखाओ ना पीस, एक बना के दिखाओ ना। ये चपली कबाब भाई बनाने लगे हैं, ये भाई अभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, ये कलेजी वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे, ये मिर्चें ऊपर लगा रहे हैं खान साहब। ये कौन सा गोश्त होता है, बकरे का या बड़ा गाय का गोश्त होता है, गोश्त कौन सा होता है, ये भैंस का? अच्छा बकरे का ही बनता है ये है? अच्छा ये भैंस का है, गाय का? अच्छा है। ये इसमें क्या रखा हुआ, ये अंडे? अच्छा अच्छा ये स्वाद के कबाब बन रहे हैं, चपली कबाब नहीं भी नहीं। अच्छा मैं ये अंडे कहाँ लगाता है, ये वाले ये किधर लगाते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर लगते हैं। ये आयल भी बिल्कुल साफ आयल यूज कर रहे हैं ये चपली कबाब के लिए, तो अभी रंगत इसकी तब्दील होनी शुरू हो गई है। ये कितने का एक कबाब देते हैं खान साहब, कितने का एक कबाब देते हैं? हाँ है 100 वाला है। अच्छा अफगान खुराक महल, अच्छा न्यू अफगान खुराक महल है ये लारी अड्डे के पास स्वाद, ये होटल के पास ही है। ये कलेजी है, ये करीजी है, वो सामने पराठा बन रहा है, मछली भी है, मछली भी है, करीजी भी है। अच्छा आलू को मिलेगा, हाँ केमा मिलेगा, अच्छा चाय मिलेगा, पराठा मिलेगा। हेलो व्यूअर, ये होटल के अंदर का व्यू है, ये यहाँ पे काफ़ी कस्टमर नाश्ता कर रहे हैं सुबह का, सुबह सुबह का वक्त है, तो ये भाई नाश्ता कर रहे हैं, ये चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, तो लोग ताज़ा दम होने के लिए यहाँ पे सुबह सुबह से चाय का नाश्ता करते हैं। तो ये कब से सर आप आ रहे हैं इस होटल पे चाय पीने के लिए? ये पुराना अड़े से इधर तक आ जाता है, ये होटल पुराना अड़े में था। अच्छा इधर तब्दील हो गया तो उस वक्त से हम इधर आ जाते हैं। कितने अरसे से? यार तकरीबन 3-4 साल से हो गए। चाय तो इनकी बहुत अच्छी है, जबरदस्त, खालिस दूर की चाय मिलती है, बहुत जबरदस्त। तो आप कब? खाना भी अच्छा है, चाय भी अच्छी है, और चीज भी अच्छी है, और लोग भी अच्छे हैं। अंकल यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं सुबह सुबह, तो ये देखिए कितना रश लगा हुआ है यहाँ पे, वो पराठे अब ताज़ा बनने शुरू हो गए हैं। ये अंकल आपको यहाँ पे मिलेंगे, पराठा बनाएं भाई, ताज़ा ताज़ा पराठा एक बनाएं, बना के दिखाएं पराठा। ये भाई अब पराठा बनाने लगा है, तो आपको दिखाते हैं
ये भाई अभी पराठा ये बना रहा है तो सही सही था। इनका भाई का चाय भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा का चाय का था और चाय पीने का मज़ा आया। वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे चाय खालस नहीं मिलती, वो डब्बे के दूध की मिलती है, तो यहाँ पे बिल्कुल खालस दूध की ये चाय मिलती है यहाँ पे, तो चाय पीने का मज़ा आया है। ये अफगान खुराक महल ये लारी अड्डे के पास, यहाँ पे आप आएँ तो इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आएगा, ताज़ा खाने आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो भाई आप देख लें ये पराठा बना रहा है ये सुबह सुबह, तो नाश्ता बना रहा है ये सुबह सुबह। हाँ अभी मतलब डिशे वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे। ये क्या चीज है जिसमें धुआं निकल रहा है? ये आलू गोश है, ये आलू गोश है और ये नमकीन गोश है, नमकीन सफेद वाला गोश है और ये चना है और ये दाल माश है, ये कीमा है और ये सब्जी भी है। भाई यहाँ होटल के मालिक हैं, तो भाई आपका नाम क्या है? हयात खान मेरा नाम है। हयात खान भाई का नाम है, तो ये भाई से ये पूछे, लारी अड्डे के बिल्कुल पास ही ये मंगोरा में होटल है, तो भाई होटल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या खाने होते हैं आपके पास, क्या टेस्ट है, क्या सुनते हैं? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा आइटम है लेकिन मैं दो तीन आपको बताऊंगा जो यहाँ पे ज़्यादा मशहूर होते हैं। यहाँ पे एक ट्राउट मछली है और दूसरा है कि कबाब, स्पेशल कबाब चिकन हंडी, यहाँ पे ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो ये दो डिशें आपकी ज़्यादा मशहूर है यहाँ? जी जी जी, बहुत ज़्यादा मशहूर है। ट्राउट फिश ताज़ा होती है? हाँ बिल्कुल, ये फ्रेश बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा। हाँ बिल्कुल ताज़ा। अच्छा ये अभी कबाब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा कबाब है यहाँ इस होटल का, तो ये भाई ने बनाया है, बहुत महारत रखते हैं ये बनाने में चपली कबाब। तो भाई कितना तजर्बा है आपको बनाने का इसका, कितनी देर से कबाब बना रहे हैं ये आप? पंद्रह बीस साल से ये कबाब बना रहे हैं, तो बहुत टेस्ट है ये, डिफरेंट टेस्ट है, जो स्वाद में ऐसा टेस्ट नहीं है मिलता है, वो जो आपका जो टेस्ट है ना वो कहीं पे नहीं है। जबरदस्त कबाब है मेरा, भाई टेस्ट कर रहे हैं ये चपली कबाब का। आई मीन साहब बताएं कैसा टेस्ट है सर, ये सब कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। ये टूरिस्ट आए हैं हमारे फैसलाबाद से, मियां मुजम्मल साहब, ये खालिस कीमत से बनाया है। हाँ ये मियां साहब टेस्ट बता रहे हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इनकी बहुत अच्छी वैरायटी है ये चपली कबाब की। चपली कबाब में ये मिर्ची डलती है, सब्ज मिर्च है ये, इसके अलावा ये गोश्त है। ये मंगोरा शहर बहुत खूबसूरत शहर है, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत शहर है। ये सामने नवीद जनरल स्टोर है, यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त है और ये जो लारी अड्डा है स्वाद का, तो लोग आवाज़ें लगा रहे हैं, तो ये बाज़ार का बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू है आप देख सकते हैं। तो ये सामने लारी अड्डा आप देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ों के बर्फ जमी हुई है, तो ये दातन वगैरह है, ये चीजें वगैरह सेल कर रहे हैं, ये कपड़े वगैरह है यहाँ पे। ये सामने प्लाजा चेक कर सकते हैं, ये सामने बस स्टैंड है ये। जी अभी हम खुराक माल पे, ये न्यू अफगान खुराक माल है ये, यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं।
तो यहाँ पे कलेजी वगैरह भी भाई बना रहा है, कलेजी तैयार हो रही है। ये बकरे की कलेजी होती है, बकरे की, बकरे का कलेजी यहाँ पे मिलता है। ये मछली भी यहाँ पे, मछली ताज़ा होती है, ये फ्रेश मछली, ट्राउट ट्राउट मछली मिलती है भाई लगा रहा है। तो ये पराठे वगैरह भी ये यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये भाई मालक हैं यहाँ के, तो इनका चेहरा आप याद कर लें, आएंगे आपकी बड़ी ये खिदमत करेंगे, ठीक है। ये इन भाई को भी आपने याद रखना है। मैं सालन वाला उस्ताद है, सालन वाला, किस तरह हर तरह का खाना बनाते हो? मैं नमकीन रोज बना गया, आलू गोश बना गया, सब्जी बना गया, दाल बना गया, चना बना गया, छह पराठा में बना गया, हर चीज में बनाई। तो आप क्या बनाता है? चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई पराठे बनाएगा, चिकन हंडी, अच्छा मछली, अच्छा पुलाव, मेरा नाम बना लिए।